नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कलाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में। इसके बारे में दोस्तों हम आज चर्चा करने क्यों जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हाल ही में आज ही रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 की घोषणा कर दी गई है। तो ये पुरस्कार भारत के किस व्यक्ति को दिया जाएगा, इसके अलावा 5 व्यक्तियों की घोषणा की गई है, तो वो 5 व्यक्ति कौन कौन से हैं, तो उन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कितने भारतीयों को ये पुरस्कार मिल चुका है, तो ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है, इसके बारे में सभी महत्वपूर्ण तथ्य हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें, तथा नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि हमारी ये जानकारी, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक और सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे सभी तक ये जानकारी पहुँच पाए। दोस्तों, अब आप बताते हैं कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है 2019 का है, ये भारत के किस व्यक्ति को दिया गया है। तो भारत के दोस्तों जो NDTV के पत्रकार हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रवीश कुमार हैं, उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। तो उनको बहुत बहुत बधाई रवीश कुमार सर को। इसके अलावा दोस्तों, आपको इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, इस पुरस्कार को जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है, किसकी याद में जाता है, तो कब से इसकी शुरुआत की गई, तो अब 2019 में दिया गया ये कौन सा पुरस्कार है। तो 2019 में जो पुरस्कार दिया गया है, इसकी घोषणा की गई है, तो ये दोस्तों 61वां पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो 61वां मैग्सेसे पुरस्कार 2019 की घोषणा कर दी गई है। ये कब दिया जाएगा, इसके बारे में हम वीडियो के अंत तक चर्चा करेंगे, तो हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। नोबेल प्राइज, एशिया का नोबेल प्राइज किसे कहा जाता है, तो जो मैग्सेसे पुरस्कार है इसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। यह पुरस्कार दोस्तों एशिया में अपने क्षेत्र विशेष रूप में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है, या संस्थाओं को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं 2019 में ये किस किस को देने की घोषणा की गई है। तो 2019 में दोस्तों ये 5 व्यक्तियों को देने की घोषणा की गई है। तो पहला व्यक्ति जो है वह कोस्वी विन, जो म्यांमार के हैं, जिन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा। बिल्डिंग द क्वालिटी एंड फोर्स ऑफ मीडिया ट्रूथ टेलिंग के लिए इन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। दूसरा जो पुरस्कार दिया गया है, यह थाईलैंड के जो नीला पैजीत अगे कहना है, इन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा। इन्हें दोस्तों ये पुरस्कार किस लिए दिया जाएगा, इन्हें चिम्पोनिंग जस्टिस केस आफ्टर पेनफुल केस के लिए दिया जाएगा। और तीसरे नंबर पर हैं भारत के रवीश कुमार। तो रवीश कुमार को जो वंचित वर्ग है उसकी आवाज़ उठाने के लिए, प्राइम टाइम में उसकी आवाज़ उठाने के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। पत्रकारिता क्षेत्र में रवीश कुमार सर को ये अवार्ड दिया गया, तो भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। नेक्स्ट है ये फिलीपींस के हैं, जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। तो यह रायमुंडो पुजिंग तो है, जिन्हें पुरस्कार दिया गया है। और पांचवें नंबर पर है साउथ कोरिया के किम जोंग की, जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो इन सभी पांचों व्यक्तियों को 2019 का जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2019 है, इसके लिए घोषणा की गई है। तो ये पुरस्कार कब दिया जाएगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF फाइल भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा और बहुत जानकारी हम उनमें शेयर करते रहते हैं, तो सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से आप ही जरूर जुड़ जाइए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही वीडियो लगातार पाने के लिए नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का निशान है, उस घंटे के निशान को भी जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो अब चर्चा करते हैं दोस्तों कि यह पुरस्कार इसकी शुरुआत कब की गई। तो ये जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, ये पुरस्कार दोस्तों फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, उनकी याद में दिया जाता है। इनकी मृत्यु दोस्तों एक विमान दुर्घटना में हो गई थी, इसलिए उन्हें ये पुरस्कार उनकी याद में स्मृति में फिलीपींस सरकार ये पुरस्कार देती है। दोस्तों, फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे 1950 के दशक में अपने भूमि सुधार कार्यक्रमों के माध्यम से विश्व में प्रसिद्ध हुए थे, जिस कारण उनकी याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई, तो इसकी शुरुआत दोस्तों 1957 में की गई थी। तब पहला पुरस्कार 1958 में दिया गया था। तो अब दोस्तों, इस वर्ष 2019 का जो पुरस्कार दिया जाएगा, ये 61वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार होगा। नेक्स्ट जानकारी है, इस पुरस्कार को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार दोस्तों प्रतिवर्ष 31 अगस्त को मैग्सेसे की जयंती के दिन प्रदान किया जाता है, लेकिन इस वर्ष इसका आयोजन उसके बाद में किया जाएगा। दोस्तों, अभी इसकी घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन ये भी पुरस्कार दिया नहीं गया है। नेक्स्ट है, यह पुरस्कार गैर एशियाई संगठनों को प्रदान किया जाता है, अगर उन्होंने एशिया के हित में कोई कार्य किया हो तो उनको भी ये पुरस्कार दिया जा सकता है। इसके अलावा
अगर कोई राष्ट्राध्यक्ष या शासन अध्यक्ष तथा उनकी पति या पत्नी अपने कार्यकाल के समय इस पुरस्कार के पात्र नहीं होंगे, यानी अपने कार्यकाल के समय उन्हें यह पुरस्कार नहीं दिया जा सकता है। अगला है, ये पुरस्कार दोस्तों प्रतिवर्ष 6 श्रेणियों में दिया जाता है। तो वह 6 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं जिनमें यह पुरस्कार दिया जाता है? तो पहली जो श्रेणी है वह दोस्तों शासकीय सेवा में, तो शासकीय सेवा में पुरस्कार दिया जाता है, सार्वजनिक सेवा के लिए भी दिया जाता है, सामुदायिक नेतृत्व के लिए, पत्रकारिता, साहित्य और सनातनात्मक संप्रेषण कला के लिए, शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए और उभरता नेतृत्व के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। अब देखते हैं इसके बारे में और भी महत्वपूर्ण जानकारी। तो पिछली बार दोस्तों जो भारत के 2 व्यक्तियों का इसके लिए चयन किया गया था 2018 में, तो उनका नाम था दोस्तों सोनम वांगचुंग, जिन्हें ये पुरस्कार 2018 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। दूसरे थे भरत वटवानी। तो सुमन जो सोनम वांगचुंग है, इन्हें आप जानते भी होंगे, यदि आपने 3 इडियट आमिर खान की मूवी देखी है तो उस मूवी में जो फुंगसुंग वांगडू का किरदार आमिर खान निभा रहे होते हैं वह यही शख्स हैं जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2018 से नवाजा गया है, जिनका रियल नाम है सोनम वांगचुंग, जिन्हें दोस्तों नेचर प्रकृति कल्चर और एजुकेशन कम्युनिटी में अच्छा कार्य बेहतरीन कार्य करने के लिए पुरस्कार दिया गया था, और हेल्थ के क्षेत्र में कार्य करने के लिए भरत वटवानी को ये पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों 2019 का जो अवार्ड है वह रवीश कुमार को दिया गया है। रवीश कुमार के साथ में आपको 4 व्यक्ति मैंने ऊपर और बताए, एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं जिसको आपको याद हो जाइए। उसमें म्यांमार के जो कोसी विन हैं, थाईलैंड की अगहाना निलपाईजीत हैं, फिलीपींस के रेमंड और दक्षिण कोरिया के किम जोंग की को यह अवार्ड देने की घोषणा की गई है। तो ये फोटो में आपको रवीश कुमार NDTV के पत्रकार दिखाई दे रहे हैं, और ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का लोगो आप देख पा रहे हैं, जो ये रवीश कुमार को इस वर्ष का प्रदान किया जाएगा, जिसे आप एशिया का नोबल भी पुरस्कार भी कहते हैं। तो एशिया का नोबल प्राइज भारत में रवीश कुमार को दिया जा रहा है, ये बहुत ही गर्व की बात है भारत के लिए। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार में जो जो भारतीय सम्मानित हुए हैं अभी तक, उनके बारे में सभी के बारे में आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। तो 1958 में दोस्तों जिस भारतीय को पुरस्कार दिया गया था उनका नाम था विनोबा भावे, जिन्हें सामुदायिक नेतृत्व के लिए दिया गया था। 1959 में CD देशमुख को शासकीय सेवा के लिए, 1961 में अमिताभ चौधरी को पत्रकारिता, साहित्य और सृजनात्मक संवाद कला के लिए पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है 1962 में मदर तेरेसा को अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए पुरस्कार दिया गया था। जितने भी भारतीयों के ये पुरस्कार मिले हैं वो सभी हम चर्चा कर रहे हैं। 1963 में DN खुरोदे को सामुदायिक नेतृत्व के लिए पुरस्कार दिया गया था। 1963 में त्रिभुवन कश्यप भाई पटेल को सामुदायिक नेतृत्व के लिए पुरस्कार दिया गया था, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं दोस्तों 1963 में ही वर्गीज कुरियन को सामुदायिक नेतृत्व के लिए पुरस्कार दिया गया था। वहीं 1965 की बात करें तो जयप्रकाश नारायण को जनसेवा के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1966 में कमला देवी चट्टोपाध्याय को सामुदायिक नेतृत्व के लिए पुरस्कार दिया गया था। 1967 में सत्यजीत रे, ये बहुत ही अच्छे पत्रकार थे, तो इन्हें पत्रकारिता, साहित्य तथा सृजनात्मक संप्रेषण कला के लिए पुरस्कार दिया गया था। अच्छे पत्रकार भी थे और ये बहुत ही अच्छे कलाकार भी थे। नेक्स्ट है 1971 में MS स्वामीनाथन जो वैज्ञानिक थे, इन्हें दोस्तों 1971 का जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है यह दिया गया सामुदायिक नेतृत्व के लिए। वहीं 1974 की बात करें तो MS सुब्बलक्ष्मी को जनसेवा के लिए पुरस्कार दिया गया था। 1975 की बात करें तो BG वर्गीज हैं, जिन्हें पत्रकारिता, साहित्य और सनात्मक संप्रेषण कला के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड 1975 के लिए सम्मानित किया गया था। 1976 की बात करें तो सोमभू मित्रा को पत्रकारिता, साहित्य तथा सृजनात्मक संप्रेषण कला के लिए यह अवार्ड दिया गया। वहीं 1977 की बात करें तो इला रमेश भट्ट को सामुदायिक नेतृत्व के लिए यह अवार्ड दिया गया था। अब बात करें दोस्तों 1979 की, तो रजनीकांत अरोल को यह अवार्ड दिया गया था सामुदायिक नेतृत्व के लिए। वहीं 1979 में एक व्यक्ति को और दिया गया था, जिसका नाम था माबेला अरोल, जिन्हें भी यह अवार्ड दिया गया था। वहीं दोस्तों 1981 में 2 व्यक्तियों को दिया गया था, पहले थे गौर किशोर घोष और प्रमोद करण सेट्टी। प्रमोद करण सेट्टी को सामुदायिक नेतृत्व के लिए और गौर किशोर घोष को पत्रकारिता के लिए अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट है 1982 में 3 व्यक्तियों को दोस्तों यह अवार्ड दिया गया था, और वो तीनों व्यक्ति कौन थे? 3 भारतीय थे, जिनमें पहले थे चंडी प्रसाद भट्ट, जिन्हें सामुदायिक नेतृत्व के लिए। 1982 में मनी भाई देसाई, जिन्हें जनसेवा के लिए। 1982 में अरुण सोरी को जो पत्रकारिता, साहित्य तथा सृजनात्मक संप्रेषण कला के लिए दिया गया है। वहीं 1984 की बात करें तो
तो आर के लक्ष्मण जो कार्टूनिस्ट थे, कार्टून बनाते थे, वो उन्हें पत्रकारिता साहित्य तथा सृजनात्मक संप्रेषण कला के लिए 1984 में अवार्ड दिया गया। 1985 की बात करें तो मुरलीधर देवीदास आमटे को, जिन्हें बाबा आमटे भी कहते हैं, उन्हें दोस्तों जन सेवा के लिए अवार्ड दिया गया था। दोस्तों वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक और सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में अधिक से अधिक इसे शेयर कर दें। वहीं 1989 की बात करें तो लक्ष्मीचंद जैन को जनसेवा के लिए, 1991 में दोस्तों के वी सुब्बन्ना को पत्रकारिता साहित्य तथा सृजनात्मक संप्रेषण कला के लिए, 1992 में पंडित रविशंकर को पत्रकारिता साहित्य तथा सृजनात्मक संप्रेषण कला के लिए। वहीं 1993 की बात करें तो बानो कोयाजी को दोस्तों जनसेवा के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड 1993 से सम्मानित किया गया था। अब बात करें दोस्तों 1994 में, तो 1994 में जो किरण बेदी हैं, जो पहली महिला आईपीएस भी थी, इन्हें शासकीय सेवा के लिए यह अवार्ड दिया गया था। 1996 में टीएन सेशन को शासकीय सेवा के लिए दिया गया। 1996 में दोस्तों पांडुरंग अठावले को सामुदायिक नेतृत्व के लिए यह अवार्ड दिया गया था। दोस्तों 1997 में महेश चंद्र मेहता को जनसेवा के लिए, वहीं 1997 में ही महाश्वेता देवी को साहित्य पत्रकारिता तथा सृजनात्मक संप्रेषण कला के लिए अवार्ड दिया गया था। वहीं दोस्तों 2000 की बात करें तो सन 2000 में जोकिन अपूर्तम को शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझौते के लिए यह अवार्ड दिया गया था। वहीं 2000 की बात करें तो सन 2000 में दोस्तों अरुणा रॉय को सामुदायिक नेतृत्व के लिए यह अवार्ड दिया गया था। अरुणा रॉय दोस्तों जिन्होंने आरटीआई कानून, हाल ही में चर्चित राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटी सूचना के अधिकार कानून के लिए आंदोलन किया था, उन्हें यह दोस्तों सामुदायिक नेतृत्व के लिए यह अवार्ड दिया गया था। वहीं 2001 में दोस्तों राजेंद्र सिंह को सामुदायिक नेतृत्व के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2002 में संदीप पांडे को आपातकालीन नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2002 से सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों 2003 की, तो 2003 में शांता सेना है जिन्हें सामुदायिक नेतृत्व के लिए अवार्ड दिया गया। 2003 में दोस्तों जेम्स माइकल लिंगदोआ को शासकीय सेवा के लिए अवार्ड दिया गया। 2004 में लक्ष्मीनारायण रामदास को शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझौते के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। अब बात करें 2005 की, 2005 में दोस्तों वी शांता को जनसेवा के लिए अवार्ड दिया गया। वहीं 2006 में दोस्तों अरविंद केजरीवाल, जो वर्तमान में दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री, वे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें आपातकालीन नेतृत्व के लिए 2006 में अरविंद केजरीवाल को रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2006 से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है 2007 में दोस्तों पाला गुम्मी साईनाथ को, या बोले तो पी साईनाथ को, जो बहुत ही अच्छे पत्रकार थे, उन्हें दोस्तों साहित्य पत्रकारिता तथा सृजनात्मक संप्रेषण कला के लिए यह अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट है 2008 की बात करें तो 2008 में मंदाकिनी आमटे को आदिवासी कल्याण कार्य के लिए, प्रकाश आमटे को आदिवासी कल्याण कार्य, ये संगठन है, इन संगठन के लिए मंदाकिनी आमटे और प्रकाश आमटे दोनों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2009 में दो दीप जोशी को, सामाजिक कार्यकर्ता थी, जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वहीं 2011 की बात करें तो नीलिमा मिश्रा और हरीश हांडे को सामाजिक कार्यों के लिए पुरस्कार दिया गया था। वहीं दोस्तों 2012 में कुलानदेई फ्रांसिस को सामाजिक कार्य के लिए, 2015 में संजीव चतुर्वेदी और अंशु गुप्ता को भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्य करने, और अंशु गुप्ता को सामाजिक कार्य करने के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वहीं अब बात करें दोस्तों 2016 की, तो 2016 में जो बेंजवाड़ा विल्सन है, जिन्हें जनसेवा के लिए ये मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। 2016 में टी एम कृष्णा को सामाजिक एकजुटता के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वहीं बात करें 2018 के दोस्तों, तो 2018 में आपको मैंने अभी ऊपर भी बता दिया, भरत वटवानी और सोनम वांगचुंग को यह अवार्ड दिया गया है। इन्हें स्वास्थ्य के लिए, इन्हें शिक्षा और प्रकृति संरक्षण के लिए सोनम वांगचुंग को अवार्ड दिया गया है। अभी 2019 में जिस भारतीयों को यह अवार्ड दिया गया है, वह एनडीटीवी के मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं रवीश कुमार, जिनका प्राइम टाइम रात को 9 बजे शो आता है, बहुत ही अच्छा शो आता है। उन्हें पत्रकारिता में जो अवंचित वर्ग है, उसको वंचित वर्ग है, उसको आवाज़ को उठाने के लिए रवीश कुमार को यह अवार्ड दिया गया है। तो रवीश कुमार के साथ में जिनको अवार्ड दिया गया उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो इसकी जानकारी दोस्तों किसने दी है, तो ट्वीट के माध्यम से रमन मैग्सेसे जो कमेटी है उसने बताया कि रवीश कुमार को यह अवार्ड पत्रकारिता में वंचितों की आवाज़ उठाने के लिए दिया जा रहा है। रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन ने कहा है कि रवीश कुमार का कार्यक्रम प्राइम टाइम जीवन के असली मुद्दों और आमजनों की समस्याओं को रिपोर्ट कर रहा है, जिस कारण उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये फोटो भी दोस्तों
रमन मैग्सेसे जो फाउंडेशन है उसने जारी की है, तो रमन मैग्सेसे फोटो जारी किया, रमन मैग्सेसे अवार्ड एशिया प्राइमर प्राइज एंड हाइएस्ट ऑनर, एशिया का नोबल पुरस्कार भी इसे कहते हैं। तो ये ऊपर आपको जो म्यांमार की कोसिविन दिखा दे रहे हैं वो अजन का निपेजिती, ये आपको थाईलैंड की दिखा दे रहे हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। इसके साथ ही नीचे दोस्तों आपको रवीश कुमार जो भारतीय हैं NDTV के पत्रकार हैं, इंडिया से हैं, जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। वहीं फिलीपींस के रैंडू पुंजिते को अवार्ड दिया गया है और किम जोंग की जो साउथ कोरिया के हैं उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। तो इन 5 व्यक्तियों को दिया गया है। ये कब दिया जाएगा दोस्तों? मीट द 2019 रेमन मैग्सेसे अवार्ड एट द अवार्ड प्रेजेंटेशन सेरेमनी ऑन 9 सितंबर 2019 को। तो 9 सितंबर 2019 को यह अवार्ड फिलीपींस में दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? ये दोस्तों शाम को 4:30 पर इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो इन 5 व्यक्तियों को सभी को रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिलने की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा वो आपने अभी तक नहीं बताया है तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो वीडियो को सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आपने हमारा व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसमें हम लगातार ही नई जो भी अपडेट आती है वहाँ तक पहुँचाते रहते हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का साइन है उस घंटे के निशान को भी जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।